वन विभाग द्वारा आयोजित 22वां राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का बिलासपुर में विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। वहीं लुहणु मैदान में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुखिया अरुण पाल अजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश वन विभाग व ब्लाइट लाइफ के 700 कर्मचारियों व अधिकारियों ने बतौर खिलाड़ियों के रूप में विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। वन विभाग द्वारा आयोजित 22वां राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का बिलासपुर में विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। वहीं लुहणु मैदान में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रधान मुखिया अरुण पाल अजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ब्लाइट लाइफ के 700 कर्मचारी व अधिकारियों ने बतौर खिलाड़ियों के रूप में विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए प्रधान मुखिया अरुण पाल द्वारा ध्वजारोहण कर खिलाड़ियों द्वारा आयोजित मार्च पास्ट की सलामी ली गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी दिन रात कड़ी मेहनत करके दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिसको लेकर हमेशा कर्मचारियों और अधिकारियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ताकि उनके स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे वन विभाग की ये प्रतियोगिताएं 1991 से शुरू की गई थी, तब से हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन मार्च माह में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन से खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 22वीं राज्य स्तरीय खेलकूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता का आरम्भ हुआ। हर वर्ष वन विभाग इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है और 1991 से ही हमने प्रतियोगिता शुरू की थी और इसमें जो है पूरे प्रदेश के जो हमारे फील्ड स्टाफ, हमारे अधिकारी, हमारे ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी पूरे प्रदेश से यहाँ आते हैं और 3 दिन जो मिलकर जो है इस ड्यूटी मीट और खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और सर्कल वाइज हमने इन टीमों को यहाँ बांटा हुआ है। 10 हमारे टेरिटोरियल सर्कल हैं, एक वाइल्ड लाइफ का है, एक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का और एक मुख्यालय की टीम इसमें मेरा हिस्सा। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है, देहरा डिवीजन से हूँ, बेसिकली देहरा से हूँ, लेकिन जो हमारा सर्कल है वो हमीरपुर में है। तो सर उस लिहाज को देखते हुए जो यहाँ का वातावरण है वो काफ़ी शुद्ध है, क्योंकि साथ में जो है डैम भी है बिलासपुर का और उसके साथ मतलब ट्रैक बना हुआ है, तो मतलब इसका जो सिस्टम है ग्राउंड बनाने के लिए काफ़ी बहुत बढ़िया जो मेहनत की हुई है हमारी जो जिन्होंने बनाया सर। जी ये मेरे सहयोगी हैं, ये शिमला सर्कल से हैं और मैं ये है कि गर्ल्स का अकोमोडेशन अच्छा है, खाना बढ़िया है, ठीक है। आज फर्स्ट डे है तो ओपनिंग टाइम हमें अच्छा लगा और प्रदर्शन अच्छा रहा और कल से देखते हैं। गेम्स है हमारी, सबकी अलग अलग इवेंट्स है, अच्छे अच्छे स्तर के खिलाड़ी आए हैं, हमारे सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सबका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है इस गेम में। नहीं, प्लेयर तो है हमारे रामपुर में, लेकिन ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ग्राउंड की व्यवस्था बहुत अच्छी है और दूसरा क्या है कि मेन क्लाइमेट है, क्लाइमेट हमारे वहाँ बहुत ठंडा है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसमें आपको कोई परेशानी किस तरह के देखते हैं कि दिक्कत होगी या माहौल में जैसे? नहीं, एक्चुअली दिक्कत नहीं होगी, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। एटलीस्ट गर्मी तो आनी है वैसे भी, पर ठीक है, अच्छा है, यहाँ का सब बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, किचन व्यवस्था अच्छी है, ओपनिंग जो हुआ ये भी अच्छा है, अकोमोडेशन अच्छी है, बढ़िया सपोर्ट मिला यहाँ के ऑफिसर्स का।